Hey guys, welcome back to another video from Ozone Classes. In this video, we will be talking about the male reproductive system of frog. तो हम सारे के सारे important anatomical और morphological features के बारे में बात कर चुके हैं. We are left with two topics only, that is the male reproductive system and the female reproductive system and morphogenesis, जो कि हम female वाले में ही include कर देंगे. Now, this is the diagram. Okay, quite time consuming it is. But it took me like 3 to 4 minutes to make this diagram. तो काफ़ी मतलब टाइम लगता है इसमें, हालांकि मैं जो बुलेट पॉइंट्स लिखता हूँ उसमें मुझे 1 या 2 मिनट्स ही लगती हैं. तो वी आर गोइंग टू इलेबोरेट दिस डायग्राम बाय लिंकिंग दिस विद दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स. अगर आपने ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है मेल का, तो आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी, बिकॉज देर आर ओनली अ फ्यू पार्ट्स ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव ऑलरेडी डन, जाने अनजाने में आप बाकी सारे पार्ट्स कर चुके हैं. थोड़ा सा पार्ट आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में कर चुके हैं, बचा हुआ पार्ट इस डायग्राम का आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में कर चुके हैं. कैसे, लेट मी शो यू. नाउ दीज आर किडनीज, आई होप यू आर अवेयर ऑफ किडनीज वेरी वेल. सो ये जो है किडनीज, इनके बारे में आप लोग आई होप पढ़ चुके हैं. ओके, डार्क रेडिश बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज किडनी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीटरी पर्पज. इसके अंदर यहां पर जो ग्लैंड प्रेजेंट है दोस्तों, वो है एड्रिनल ग्लैंड. नाउ इन केस ऑफ ह्यूमंस व्हाट हैपेंस कि यहां पर जैसे ये है आपकी किडनी, तो ये आपकी किडनी है, तो यहां पर आपका एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दिस वन. ओके, बट इन दिस केस इट इज प्रेजेंट ओवर हियर इन द लॉन्गिट्यूडनल वे. सो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, जिसका यहां पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम क्योंकि एक सेक्शन देख रहे हैं किडनी का, तो हम वहां पर इसको मेंशन कर दें, दैट इज गोइंग टू बी गुड. सो एड्रिनल ग्लैंड इज ओवर हियर, दिस इज किडनी. नाउ इफ वी एवर टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देर आर सम थिंग्स विच आर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. The very first thing is testis. Okay? Testis इसलिए important है क्योंकि जब आप sexual reproduction की बात करते हैं, it becomes very essential to talk about the gametes, to talk about the sperm. And who will produce the sperm? Obviously, the primary sex organ, which is testis in case of male. Male के case में जो sperm बनाता है, उस particular organ को आप primary sex organs बोलते हैं, जो कि है आपका टेस्टिस. यानी कि टेस्टिस प्रेजेंट होंगी, दैट इज गोइंग टू बी फॉर श्योर. तो आपकी किडनी से जुड़ी हुई जो है आपकी टेस्टिस होती हैं यहां पर, और ये जो दो टेस्टिस हैं वो यहां पर प्रेजेंट है. इन यू नो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इट इज प्रेजेंट इन पेयर. अगर आप ह्यूमन बींग्स का भी रेफरेंस लें, तो हमारे अंदर भी दो होती हैं टेस्टिस. इट मीन्स दे अकर इन पेयर. तो यहां पर भी दिस इज द वन टेस्टिस, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड टेस्टिस. ऑलराइट, नाउ टेस्टिस की यहां पर बात हो चुकी है. ये जो है स्पर्म प्रोड्यूस करती है, एंड आफ्टर दैट दैट स्पर्म इज गोइंग टू गो टू दिस पर्टिकुलर अपर्चर कॉल्ड एज द क्लोएकल अपर्चर. मैंने यहां पर बोला था कि क्लोएकल अपर्चर जो है दोस्तों, वो आपका कॉमन ओपनिंग है. नाउ किस किस चीज के लिए कॉमन ओपनिंग है? अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं, देन दिस इज द रेक्टम बेसिकली. ओके, एंड आफ्टर द रेक्टम, आफ्टर द रेक्टम देयर शुड बी एनस. लेकिन यहां पर एनस नहीं था, यहां पर कॉमन ओपनिंग थी क्लोएका. सो यहां से जो है आपका यूरिन बाहर निकल जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में. आपके एक्सक्रीटरी सॉलिड वेस्ट जो है वो भी निकल जाएंगे यहां से, प्लस आपके जो गैमीट्स यहां से आ रहे हैं वो भी यहां से बाहर निकलेंगे. यानी कि इट फॉर्म्स अ कॉमन ओपनिंग फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो इन केस ऑफ फ्रॉग. ऑलराइट, सो यहां पर आपका क्या है, यू हैव सीन कि यहां पर टेस्टिस हैं विच आर येलो इन कलर. सो येलोइश कलर की होती है ये, और यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि किडनी के ऊपर समझ लीजिए, यहां पर अगर टेस्टिस प्रेजेंट है तो ये टेस्टिस यहां पर जुड़ी होगी. ओके, देयर शुड बी सम थिंग विच इज ज्वाइनिंग द टेस्टिस विद किडनी. नाउ दैट ज्वाइंट इज बेसिकली डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. जो पेरिटोनियम है उसकी दो फोल्ड की लेयर होती है, जिसका एक स्पेसिफिक नाम है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मिजोर्शियम. ओके, मिजोर्शियम नाम की एक लेयर है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस आर्टिकल. सबसे इंपॉर्टेंट आपको दो बातें मैं यहां पर बताऊंगा. द वेरी फर्स्ट यू नो थिंग विच यू शुड मेमोराइज इन दिस लेक्चर इज अबाउट मिजोर्शियम. कि व्हाट इज मिजोर्शियम? डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम होती है, जो कि किस किस चीज को जोड़ती है, जो आपकी टेस्टिस को जोड़ती है किडनी के ऊपर. क्योंकि ये जो किडनी है, यहां पर आपकी टेस्टिस प्रेजेंट है, तो ये यहां पर जुड़ी हुई भी होगी. ओके, यहां पर आपकी जुड़ी हुई भी होगी. अब ये जो ज्वाइंट है, दैट इज कॉल्ड एज मिजोर्शियम. आफ्टर दैट इन केस ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो, जैसे टेस्टिस से क्या निकलते हैं आपके, काफी सारे और डक्ट्स निकलते हैं,
जैसे कि आपका वास डेफरेंस हो गया, वासा एफरेंशिया हो गया, देन योर एपिडाइडमिस, रेटे टेस्टिस, काफी सारी चीजें होती है। यहाँ पर सिर्फ आपका वासा एफरेंशिया है। सो वासा एफरेंशिया जो है यहाँ पर 10 से 12 के आसपास निकलेंगे। सो 10 टू 12 वासा एफरेंशिया विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्टिस, ओके। और उसके बाद वो क्या है कि यहां ओपन हो जाएंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट में। सो यहां पर जो स्पर्म है वो यहां पर बन जाएंगे, लेट्स से यहां पर स्पर्म बन गए, वो आएंगे वासा एफरेंशिया में, विच इज अ डक्ट कनेक्टेड टू द टेस्टिस। वासा एफरेंशिया इज गोइंग टू ओपन इनटू द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यहां पर ओपन होगी वाया द बिडर्स कैनाल। नाउ दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला था। बिडर्स कैनाल नाम की एक चीज होती है यहां पर। सो लेट्स से यह आपका वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया पहले बिडर कैनाल में ओपन होगी, उसके बाद यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में जाएगी, यानी कि इस ट्रैक्ट में आने से पहले और इस ट्रैक्ट को छोड़ने के बाद बीच में आपका बिडर्स कैनाल प्रेजेंट है, विच इज नॉट शोन इन एनसीईआरटी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है डायग्राम। सो टेस्टिस विच इज गोइंग टू फॉर्म योर स्पर्म, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म वासा एफरेंशिया में, ओके, विच आर 10 टू 12 इन नंबर, उसमें आपके स्पर्म्स चले गए। नाउ फ्रॉम वासा एफरेंशिया इट इज गोइंग टू गो इनटू द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बाय पासिंग थ्रू द बिडर्स कैनाल। तो ये बिडर्स कैनाल एंड मिजोर्शियम आर द टू पॉइंट्स इनके बारे में मैं कह रहा था। ये तो भाई आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यहां से जो मैं धोखाधड़ी वाला क्वेश्चन बोल रहा था, जो कि एग्जामिनर्स ने ऐसा बोला कि आपका टैक्सोनॉमी में से है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम दिस आर्टिकल, वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था यहां से एनसीईआरटी का, लेकिन उन्होंने बोला कि ये टैक्सोनॉमी से है और वो सही भी थे यार। एनसीईआरटी के चार पेजेस आपको छोड़ के रिस्क ले रहा है तो वो तो उसकी गलती है बॉस, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी इतनी छोटी है कि उसकी रीडिंग मारना तो एटलीस्ट एक बार बनता है हर टॉपिक का। इसीलिए हम सबसे पहले यही लेकर चल रहे हैं क्योंकि किसी ने भी फ्रॉग पूरा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया हुआ। ऑलराइट, सो बिडर्स कैनाल से ओपन होते हुए यूरिनोजेनिटल डक्ट में आ जाएगा। अब यूरिनोजेनिटल मतलब यूरिन भी यहीं से निकलेगा, यानी कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपका पार्ट है। जेनाइटल मीन्स ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है इन केस ऑफ मेल, ओके दोस्तों। ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है ये बनती है इन केस ऑफ मेल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहां पर ये बनी है। इन केस ऑफ फीमेल व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली कि आपका यूरिनल सिस्टम जो है यहां ओपन हो जाता है, ऊपर से ओवरीज के जो ओविडक्ट है वो अलग से आते हैं। द ओविडक्ट आर ओपन ओवर हेयर सेपरेटली। अब जाहिर सी बात है हर चीज खुलेगी यहीं पे और ओपन होगी वाया क्लोएका। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग, ओके, दैट्स फॉर श्योर। हर चीज यहीं से बाहर जाएगी वो गारंटी है, लेकिन यहां पर किस डक्ट के थ्रू खुलेंगी उसमें वेरिएशन आ सकती हैं। जैसे कि यहां पर आपका रेक्टम जो है अपना इंटेस्टाइन का पार्ट है, आगे बढ़ रहा है, और यहां पर यूरिन प्लस आपका जो स्पर्म्स है वो अलग कैनाल की हेल्प से आ रहे हैं। जब आप बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वहां पर आप देखेंगे यहां से सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऊपर से आपका जेनिटल प्रोडक्ट्स अलग आ रहे हैं और आपका रेक्टम एनस अलग है ही, तो लेकिन खुलेंगे सारे सेम पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोएकल पोजीशन, लेकिन अलग अलग डक्ट्स के थ्रू वो यहां पर एंटर कर सकते हैं। सो देयर इज कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट इन केस ऑफ मेल, बट इन केस ऑफ फीमेल इट इज नॉट लाइक दैट। उसमें ओविडक्ट अलग से ओपन होती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो हमने यहां पर पढ़ लिया है, अब वो यहां पर ओपन हो चुके हैं, तो यहां पर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आ चुका है, यहां पर आपका स्पर्म भी आ चुका है जो यहां से बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट, सो यहां पर क्या होता है, बेसिकली दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, दिस इज योर रेक्टम पोजीशन, ओके, यहां पर आपका क्लोएका एंड देन क्लोएकल अपर्चर, दिस इज योर ट्रैक्ट जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, यहां पर आपकी किडनी एड्रिनल ग्लैंड हो चुका है, दिस इज योर टेस्टिस वासा एफरेंशिया, दीज आर द फैट बॉडीज। Now, fat bodies are very crucial and very important. Why? Because as the name indicates, fat body, ये जो है fat को store करती है, ये energy की storage करती है। जैसे कि अगर frog hibernation में जा रहा है, यानी कि winter sleep में, या फिर estivation में जा रहा है, summer sleep में, या फिर metamorphosis कर रहा है जिस time पे इसे energy चाहिए, या फिर reproduce कर रहा है जिस time पे इसे energy चाहिए, उस time पे stored energy दोस्तों काम आती है। आप समझ लीजिए अगर ये hibernation में है, ये एक बरों में घुसा हुआ है, ये एक बहुत ही छोटी सी जगह पर सर्वाइव कर रहा है, अब ऑब्वियसली वहां पर उसे फूड तो मिलेगा ही नहीं, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, अपनी स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज करता है बाय ब्रेकिंग डाउन फैट एंड गेटिंग एज मेनी एटीपीज एज पॉसिबल। तो वहां से क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है और वहां से अपनी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी से एनर्जी बना लेता है। सो दैट्स हाउ फैट बॉडीज एक्चुअली हेल्प इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, मेटामॉर्फोसिस, एज वेल एज इन केस ऑफ समर एंड विंटर स्लीप्स। ओके, सो आई होप बेसिक स्कीम यार बिल्कुल क्लियर है। आपकी फैट बॉडीज प्रेजेंट है ऊपर, देन योर टेस्टिस आर अटैच टू द
किडनी विद द हेल्प ऑफ मिजोर्शियम, किडनी के अंदर आपका एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ये जो चीज़ें हैं जो आपकी टेस्टिस है वो ओपन होगी किसमें, वासा इफ्रेंशिया में, देन इट विल बी ओपनड इन टू द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट वाया बिडर्स कैनाल, और उसके बाद ये चीज़ें सारी क्लोएका में ओपन हो जाएंगी और वहाँ से आपकी जो है सारी चीज़ें बाहर चली जाएंगी। दिस इज अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू नो, विच यू रिक्वायर टू नो इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए एंड आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर बनाया गया है, बहुत ही प्यारा लेक्चर बनाया गया है, बहुत ही कम टाइम का, एंड आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। इफ़ यू अप्रिशिएट द फैक्ट कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों तक। यार व्हाट्सएप इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू शेयर द लिंक्स, यू कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो ऑन लाइक डिफरेंट एजुकेशनल ग्रुप्स अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ज़रूर प्लीज़, बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गैदर पीपल ओनली यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा अभी व्यूज़ आ नहीं रहे लेकिन तभी हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा वीडियो देखता है। ये मेरा प्रायर एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने स्टार्टिंग में भी कोई वीडियो बनाई थी तो उस पर जो व्यूज़ थे अराउंड 50-100 आते थे, लेकिन बाद में वो जो वीडियोज़ थी वो अराउंड 100K तक पहुँची हर वीडियो। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गुड कॉन्टेंट, चाहे उसको फिलहाल कम बच्चे देख रहे हो, आगे आने वाले टाइम में जब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी सो वेल। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है क्योंकि पिछले 6-7 वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप सब लोगों का। सो आशा करते हैं कि ऐसे अच्छा कॉन्टेंट बनाते रहेंगे और आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।